पहले जो हुआ किसी वो और के आरोपों को लेकर के प्रतिपाल जी आप अपना दामन साफ नहीं बता सकते ना, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ गलत कल्चर उन्होंने प्रमोट किया, वो गलत बात है, आगे से उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। कांग्रेस के सदस्य हैं, पहले एक युवा थे, यूथ आइकॉन थे, उनके गाने उन लोगों को पसंद करते थे, उस अकॉर्डिंगली आगे से करेंगे तो हम उसके जवाब दें जो पहले किया उसका जवाब दें। मैं नहीं, क्या हो सकता सिद्धू? तो क्या कांग्रेस ने सुनिश्चित कर लिया कि सिद्धू मूसेवाला ने पहले जो किया, पहले सिद्धू मूसेवाला आके लोगों से माफी मांगे कि भाई मैंने गलत किया, अब से मैं उस विचारधारा के साथ हूँ जो कांग्रेस कहेगी? मैं एक बात कह रहा हूँ, इस चीज का स्पष्टीकरण सिद्धू मूसेवाला मेरे से ज्यादा बेटर दे सकते हैं, क्योंकि आज अभी कुछ चंद घंटे पहले जो आदमी शामिल हुआ है पहले से कांग्रेस में है सर। नहीं देखिए, मैं तो उनसे पहले से हूँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपको तो पता होगा कि ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो गाने हैं, गाने एक सिंगर है, प्रमोटेड सिंगर है, लोग उसे पसंद करते हैं, उसके गाने सुनते हैं, अगर कुछ गानों पे विवाद हुआ है उसका अच्छा मुझे बताइए के रिलेटेड भी गानों पे विवाद, बालीवाल के भिंडर वाला कौन है आप? मेरे लिए देखिए, मेरे लिए जिसने भी आतंकवाद फैलाया है 1947 के बाद, चाहे वो नथुराम गोडसे हो, चाहे भिंडरांवाला हो, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है साहब, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, तोड़ने वाले बाकी नामों का जिक्र मैं नहीं कर रहा क्योंकि उनका टॉपिक नहीं है। मैं एक सिद्धू मूसेवाला के साथ भिंडरांवाला का नाम जोड़ा इसलिए जा रहा क्योंकि उनके गाने में महिमा मंडन किया गया। अब आप कांग्रेस में आपने उनको शामिल कराया, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि प्रतपाल सिंह बालीवाल के लिए भिंडरांवाला कौन है? मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूँ, 75 साल में जिसने भी देश को तोड़ने की कोशिश की हो, चाहे वो भिंडरांवाला हो, चाहे वो नथुराम गोडसे हो, या एक्स वाई जेड, प्रतपाल सिंह बालीवाल मेरे आपके लिए भिंडरांवाला कौन है? वो एक ही नाम के ऊपर बात करते हैं पहले, आतंकवादी है। मैं एक लाइन में कह रहा हूँ, उसका जो सपोर्ट कर रहा है, उसका जो महिमा मंडन कर रहा है, फिर वो कांग्रेस में क्या कर रहा है? तो फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, जो पुराने बातें और अब की बातें, अब मनजिंदर सिंह सिरसा भी गुणगान करते थे, वो पूछिए बीजेपी वालों से वो क्या कहां पे आए, कौन सी देश बीजेपी के, बीजेपी से जवाब देने के लिए सरदार आरपी सिंह है, वो जवाब दे देंगे। मुझे बताइए ना कि अगर आप मानते हैं कि भिंडरांवाला आतंकवादी है, आप ये खुद कह रहे हैं, ठीक है, तो जो उसका ऐसे व्यक्ति का जो महिमा मंडन कर रहा है वो कांग्रेस में क्या कर रहा है? मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूँ, उसने पहले करी, कैसा सॉन्ग है कैसा नहीं है मुझे नहीं पता, अगर मैंने सुना ही नहीं गाना उसके ऊपर मैं स्पष्टीकरण तो मुझे वाजिब नहीं लगती उस चीज को दोस्त। अगर मेरे को मैंने वो गाना सुना हो, उसने क्या कहा है उसने अनंत जी, तभी मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि हाँ वो ठीक था या गलत था। मैं तो सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, ठीक हो सकता है सर, चाहे शब्द नहीं हो सकता, मैं तो कह ही रहा हूँ नहीं हो सकता, मैं तो कह रहा हूँ आसान रखते हैं ना, सिरसा आए हैं, आरपी सिंह जी से पूछिए, वो तो बहुत चीजों को आसान रखते हैं ना। बालीवाल साहब आपने कह दिया कि भिंडरांवाला आतंकवादी था, अब मैं आपको बता रहा हूँ सर कि जो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर आरोप था, ये जो तय हुआ था कि भाई उसने अपने गानों में भिंडरांवाला का महिमा मंडन किया, तो बालीवाल साहब सिर्फ ये बता दें कि जिसको वो आतंकवादी मान रहे हैं उसका महिमा मंडन करने वालों को कांग्रेस में शामिल क्यों करवाया जा रहा है? मैं एक बात कह रहा हूँ, जब मैंने गाना ही नहीं सुना भाई, मैं उस चीज की एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकता हूँ अनंत भाई? अगर गाना सुना होगा तो देन आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन। मैं माफी चाहूंगा, गाना सुना नहीं, मैं आपको गाना तो नहीं सुनवा सकता, मैं उसके ऊपर कैसे कर सकता हूँ? शो में गाना तो नहीं सुनवा सकता, लेकिन आपके जो सहयोगी होंगे ना उनको आप बोल दीजिए जब तक शो में आप हैं गाना सुनकर शब्द आपको व्हाट्सएप कर दें, आप पढ़ लीजिएगा। आरपी सिंह साहब बताइए जरा मुझे, ये कौन सी राजनीति की परिपाटी है कि हर चीज को डिफेंड किया जाता है? थोड़े दिन पहले ही किया, जो खालिस्तानी पन्नू है उसके भाई ने की पार्टी ज्वाइन करी, उसको सरकार में इन्होंने ऑफिसर एक सरकारी पद दिया उन्होंने, तो अभी हाल में 10 दिन पुरानी बात है जी। तो ये तो लगातार उस तरफ बढ़ रहे हैं, इनके लिए इमरान खान यार दिलदार है, जहाँ जो खालिस्तान का दफ्तर अपने लाहौर में चलाता है वो इनका यार दिलदार है, जनरल कमर कीमा बाजवा इनका सगा भाई है, वो कहते हैं हमारा बड़ा भाई है, बड़ा पराया सारा। तो बड़ा स्पष्ट है ये एक लेट पॉलिसी है कांग्रेस की, और सोच ये है कि कौन सी कांग्रेस है ये, तो समझ रहे और कैसी कांग्रेस है। तो जब भिंडरांवाला को लेकर दरबार साहब पर हमला हुआ, दरबार काल तक सब तहस नहस किया, और बाद में दिल्ली में 3,000 से ज्यादा सिख मारे गए, ये उस इतिहास को दोहराना चाहते हैं, ये उस मूसेवाल को समर्थन कर रहे हैं, उस मूसेवाल को पार्टी में लेकर आए जिसके खिलाफ इनकी पार्टी ने मुकदमे दर्ज किए, इनकी सरकार ने मुकदमे दर्ज किए, AK-47 दिखाने के लिए, बंदूकें दिखाने के लिए अपने गानों में, और वो दिखाकर क्या कर रहा है, युवाओं को प्रेरित कर रहा है कि आप भी बंदूक उठाइए,
युवाओं को प्रेरित कर रहा है कि आप भी AK-47 उठाइए, ऐसे ही गाना गाकर ऐसे ही प्रेरित करना कर रहा होगा। अभी कह रहे मैंने गाना देखा नहीं, बहुत आसान है, आपने गाना देखा नहीं, आप कह सकते हैं अगर उसने ये गाना गाया तो मैं उसको उसकी उसका खंडन करता हूँ या उसकी जहाँ उसको जहाँ उसकी हिमायत करता हूँ। तुमने एक बात तो बोलिए आप, ठीक है सर, बोलिए कि हम हाँ भाई बोलना चाहिए ना ये चीजें, बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन मैं चाहूंगा सिटी साहब बताएं जरा इस बात को कि कांग्रेस का माफ कीजिएगा कांग्रेस का अब पंजाब के अंदर सिस्टम चल क्या रहा है, किन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, सिद्धू मूसेवाला को, ऐसे व्यक्ति को जो कि भिंडरेवाला का महिमा मंडन कर रहा है, लाकर क्या पार्टी में शामिल करवा दे रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, क्यों? देखिए कांग्रेस का जो वो है वो तो कांग्रेस ही बताएगी, लेकिन मैं मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कोई राजनीतिक पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में चुनाव के समय में लेके आती है जो एक सिंगर है, जिसके ऊपर FIR दर्ज है, जिसके ऊपर कई तरह के इल्जाम लगे हुए हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को देखो, एक जो बेसिक क्वालिफिकेशन है राजनीति में आने के लिए, उस व्यक्ति को आना चाहिए जो सामाजिक तौर पे जिसने बहुत सोशल काम किया हो, जिसने जनता के बीच में जाके काम करा हो, या जो बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, इकोनॉमिस्ट हो या डॉक्टर हो या अपनी फील्ड में मास्टरी हो। जब तक एजुकेटेड लोग नहीं आएंगे, अगर मूसेवाला आ भी जाता है तो वो समाज के लिए पंजाब के लिए क्या करेगा? हम लोगों को एक हमारी एक जिम्मेवारी है, जितने भी राजनीतिक पार्टी हमारी एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि हम अपने पार्टी के अंदर सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए किसी भी व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं कि आइए, जैसे आम आदमी पार्टी पहले सिद्धू साहब के पीछे थी या एक दूसरे के लोगों को लिया जा रहा था, लेकिन हमें अपने नेता जनरेट करने पड़ेंगे जो लोगों के बीच में एग्जाम्पल बने, जो एजुकेशन के लिए, जो हेल्थ के लिए, जो पंजाब की बड़ी समस्या है, ड्रग्स की समस्या है, शराब की समस्या है, रेता माफिया की समस्या है, इन चीजों को दूर कर हम वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, रोजगार को प्रमोट करें। ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें पंजाब की चिंता करनी चाहिए। ये तो बहुत आदर्शवादी बातें आपने कर दी सर, कोई भी पार्टी हो, उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, कोई भी पार्टी हो, इन पैमानों पर परखती नहीं उम्मीदवार को, जिताऊ कैंडिडेट के टैग के साथ रखा जाता है कैंडिडेट को सर। नहीं, हमारी पार्टी बिल्कुल परखती है सर, और उसका प्रोफाइल देखा जाता है, उसकी बैकग्राउंड देखी जाती है। अगर हम किसी बड़े नेता को लेते हैं तो उसका प्रोफाइल जी। ये मेरे भाई साहब बैठे हैं सिटी साहब, पहले तो इनसे पूछिए भिंडरा वाले को ये क्या मानते हैं, इन्होंने यादगार बना रखी है, उस चीज का जवाब भी मांगिए जब बीजेपी इनके साथ में थी। और ये बात कर रहे हैं KS मक्खन कौन था भाई साहब, उसको तो टिकट भी दी थी, वो भी सिंगर था, और क्या उसने क्या प्रमोट कर रहा था, क्या प्रमोट कर रहा था, आप बताइए भिंडरा वाला आपके लिए क्या है, भिंडरा वाला क्या है आपके लिए, भिंडरा वाला क्या है आपके लिए, आपकी हाई कमांड है, परमानेंट इनवाइटी बनाई जाती है, प्रकट सिंह उनको हजारों सिखों का दर्द नहीं है, गुरुद्वारों को जलाया, गुरु ग्रंथ साहिब की दुर्गति करी गई, गुनहगार आपने, उसके बारे में आपकी बात नहीं निकलती, संजय कुमार को टांगो, नेशनल चैनल पे बोल रहा हूँ, टांगे आप बोलिए, एक सेकंड सिटी साहब में वापस लौट रहा हूँ, सिटी साहब में वापस लौट रहा हूँ, बालीवाल साहब अगर आप इतने ही सच के साथ जा रहे हैं या इतने ही आपको खटकते हैं तमाम लोग जिनका नाम आप लगातार ले रहे हैं, तो पार्टी आलाकमान के सामने क्यों रखते कि भैया पार्टी में क्या करवा रहे हैं? ओपनली कहता हूँ पंजाब में सुन लीजिए, पंजाब में पूछ लीजिए, बोलता हूँ शरेआम बोलता हूँ, गलत को गलत बोलता हूँ, सही को सही बोलता हूँ, जो गलत होगा गलत होगा। अब सेठी जी से पूछिए भिंडरा वाला कौन है, सिद्धू से या चरणजीत सिंह चन्नी से बात की आपने इस बारे में? हिटलर के बारे में बोलिए कि कांग्रेस हाई कमांड उसको परमानेंट इनवाइटी बनाया हुआ है, हम इसका गलत किया है, गलत किया है, हम इसका ऑब्जेक्शन करते हैं, कह रहा हूँ, आपका कोई नेता कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ। और बताइए सेठी साहब, बालीवाल साहब, मतलब आपकी बातों का वजन आलाकमान के सामने है नहीं सर, इसका मतलब आप जो बातें करते हैं आलाकमान बातें मानती नहीं है आपकी। अनंत भाई भिंडरावाला का मैंने सवाल पूछा, जगदीश टाइटलर तो आ गया, मैंने तो दे दिया जवाब, ऊपर इनसे पूछिए भिंडरावाला कौन है, ठीक है, मैं उनसे भी जवाब ले लूंगा।